मुलताई मध्य प्रदेश से विश्वक्सेन देशमुख जी हैं, शांडिल गोत्री विप्र। इनका प्रश्न है कि पूजन में शंख कैसा रखा जाए, जिधर से जल गिरता है वो भगवान की तरफ हो जाए या इसका उल्टा रखा जाए, ये इनका प्रश्न है। देखिए, पूजन में जो है शंख का प्रयोग तो सभी लोग करते हैं, शंख कैसे रखा जाए, इनके पूछना चाह रहे हैं शंख को उत्तान रखा जाए या अधोमुख रखा जाए। शंख को, जो शंख का मुख होता है जहाँ से जो है वादन किया जाता है, उसको अपनी तरफ रखा जाए या उसको भगवान की तरफ रखा जाए, या वो शंख दो प्रकार के होते हैं, जल घुमाने वाला एक बजाने वाला। तो अब जो जल घुमाने वाला है उसका तो मुख बंद होता है। सामान्य रूप से शंख जो है वो मुख बंद होता है उसका, जब वो कीड़ा बनाता है उसको तो वो बंद होता है, बाद में वो उसको काट करके छील करके उसको घिस करके वो बजाने वाला कर देते हैं, और जो लगता है कि ये बजाने में नहीं बैठेगा, छोटा ही है, तो उसको बंद ही रखते हैं, वो तो जल घुमाने वाला हो जाता है। वैसे मूल रूप से शंख एक ही होता है, पर उसका मुख काट दिया जाता है तो बजने लगता है, नहीं काटते हैं तो उसमें जल भर करके अभिषेक आदि के कार्य में आता है। तो इन दोनों शंखों की रखने की स्थिति कैसी होनी चाहिए, ये पूछना चाह रहा है। देखिएगा, मुख्य रूप से तंत्र शास्त्रों में पात्रा साधन का प्रयोग दिया गया है कि पात्रा साधन करें। कि सामान्य रूप से ये जो उपचार हैं, जल पुष्प गंध अक्षत आदि, ये देवता के लिए जो है सीधे ही सीधे ग्राह्य नहीं है। जैसे हमारी जो भारतीय मुद्रा है, हम चाहें कि जो है अमेरिका में इनको पैसों को चला दें तो वहाँ नहीं चल सकते। और तो और हमारा ही ये जो है अंग है, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश या जो है पाकिस्तान, अफगानिस्तान आदि, इनमें भी भारतीय मुद्रा नहीं चलेगी। परंतु उसको वहाँ चलाने का क्रम है कि वो वहाँ के पैसों में, वहाँ के डॉलरों में, वहाँ की जो मुद्रा है उसमें बदल जाता है, फिर चलता है। तो इसी प्रकार यहाँ के जो उपचार हैं, यहाँ के धूप दीप नैवेद्य पुष्प पत्र आदि, वे वहाँ इष्ट देवता के यहाँ दिव्य लोकों में कैसे ग्राह्य होंगे, जो यहाँ की मुद्रा यहीं नहीं चल रही है, तो यहाँ के उपचार वहाँ कैसे पहुँचेंगे। तो इसलिए मंत्रों से उसको शुद्ध किया जाता है। वो प्रक्रिया है पात्रा साधन की, वो तो आप लोग पढ़े होंगे, नहीं तो कभी इसके ऊपर चर्चा करेंगे। पात्रा साधन कैसे किए जाते हैं, मुख्य रूप से अष्ट पात्रा साधन होता है, नहीं हो सके तो पांच करिएगा, नहीं तो दो करिएगा, तीन करिएगा, या फिर एक ही एक पात्रा पात्र की स्थापना होती है। उसमें चंद्र कलाओं का, सूर्य कलाओं का, वर्ण कलाओं का पूजन होता है, पात्राधार में अलग पूजन होता है, पात्र में अलग होता है, पात्र में भरे हुए जल में अलग पूजन होता है, पहले यंत्र बनाया जाता है, फिर पात्र में जल में भी जो है प्रधान देवता का पूजन होता है, विभिन्न प्रकार की मुद्राओं से उनको प्रदर्शित करके और पूजन करके वो पदार्थ को देवता के योग्य बनाया जाता है। तो उसी क्रम में वहां शंख स्थापन का भी विधान है, शंख की भी स्थापना होती है। यहां तक दो पात्रों की भी स्थापना करनी हो तब भी एक कलश की और एक शंख की स्थापना होती है। तो उस स्थापना में वो शंख को वहां स्थापित करते हैं, तो शंख का आधार रखते हैं, आधार माने तिपाई, उस तिपाई पर शंख रखा जाता है। तो जब शंख रखा जाता है तो तिपाई पहले रखने का विधान है, तो तिपाई में तीन पैर होते हैं, दो पैरों को पीछे रखा जाता है, एक पैर को आगे रखा जाता है। जिधर को एक पैर होता है शंख का मुंह उधर ही होगा। तो इसी प्रकार रखने का विधान देवता के सन्मुख, तो जो जल भरा हुआ शंख रखा जाता है वो अपने दाईं ओर रखे
अपनी दाईं ओर, देवता की बाईं ओर हो गया और देवता के सन्मुख रखा जाता है, देवता की ओर अभिमुख किया हुआ, यानी वो जल जिधर से गिरता है वो भाग देवता की ओर रहता है कि देवता को जल समर्पित करना है स्नान आदि के लिए, या आरती के बाद जल भ्रमण करना है, या वो जो पूजन होता है बीच बीच में यंत्र पूजन आवरण पूजन, तो वहाँ बीच में वो अर्घ दिया जाता है, जल दिया जाता है, शंखाम्बु निक्षिप्या लिखा रहता है, शंख के जल को वहाँ छोड़ा जाए, तो वो इसी प्रकार वहाँ स्थापित किया जाता है। ये जो है वहाँ तंत्र शास्त्रों में सुस्पष्ट है। और शंख वादन का जो शंख है, जो शंख बजाया जाता है, उसका मुख्य प्रयोजन जो है वो शंख बजाने वाले के लिए है, वो देवता के लिए नहीं रखना है कि देवता शंख बजाएं या देवता को वो शंख रखा जाए, वो शंख देवता के लिए नहीं रखा जाता है। तब उस शंख को अपनी ओर मुख किए हुए, जिधर से उसको जो है मुख बनाया गया है, काटा गया है, जहाँ से बजाया जाता है, वो अपनी ओर हो और अधोमुख किसी वस्त्र आदि पर, किसी वस्त्र इत्यादि पर उस शंख को रखना चाहिए। नीचे निरावरण भूमि पर शंख को न रखे, किसी भी शंख को। वो जल पात्र तो उसको तो उत्तान रखना पड़ेगा, क्योंकि उसमें जल भरा हुआ है, लिखा हुआ है, वो तो पात्र साधन में जल भरा जाता है, खाली शंख नहीं रखा जाता, तो भरा हुआ रहेगा तो उसका तो उत्तान मुख होता है। इसको जो है इस तरीके से रखते हैं ताकि वो ढड़के नहीं, ये व्यवस्था है। और अपनी ओर रखा जाता है क्योंकि उसको खुद बजाना है। इस दृष्टि से घंटा का बाएं, अपनी बाईं ओर देवता के दाईं ओर स्थापना होती है, क्योंकि वो घंटा बाम अस्तेन बादनम लिखा हुआ है, बाएं हाथ से घंटा बजाएगा वो इधर रखा है तो व्यवस्था भी नहीं बनेगी, इसलिए देवता की दाईं ओर अपनी बाईं ओर घंटे की स्थापना की जाती है। इसके ऊपर चर्चा हो चुकी है, देवताभिमुख। तो शंख को जो है धरती पर नहीं रखना चाहिए, देखिएगा लिखा हुआ है, या शंखम भुवि संस्थाप्य पूजयेत पुरुषोत्तमम तस्य पूजाम न ग्रहणाति तस्मात् पीठम प्रकल्पयेत। शंख को जमीन पर रख करके, निरावरण भूमि पर रख करके जो पूजन करते हैं उनकी पूजा को भगवान स्वीकार नहीं करते हैं, इसलिए उसको आसन पर तिपाई पर ही रखना चाहिए। ये है। और शंख में जो जल भरा जाता है वो किसी पात्र से भरना चाहिए, ऐसा नहीं है कि किसी जो है कलश आदि में शंख भरा हुआ, जल भरा हुआ रखा है तो उसी में शंख डुबो दिया और फिर बोर करके रख दिया गया, क्योंकि शंख के पृष्ठ भाग में जो है उसको शुद्ध नहीं माना गया है, उसमें वो अपवित्र माना गया, पापमय माना गया है, तो उसमें जो है उसको अगर हमने जल में बोर दिया तो पूरा जल ही अशुद्ध हो जाएगा। देखो लिखा हुआ है, उद्धरण्याम जलम ग्राह्यम जले शंखम न मज्जयेत शंखस्य पृष्ठ संलग्नम जलम पापकरम ध्रुवम। जल को भरना चाहिए, शंख में जो है शंख को डुबोना नहीं चाहिए, क्योंकि वो बता ही दिया गया पापमय होता है पृष्ठ भाग। शंख की पूजा क्यों की जाती है, आप इस बार पर विचार करें, शंख का पूजन क्यों होता है। मुख्य पूजन से पहले कर्मकांड में आप देखेंगे तो गणपति आदि का पूजन होने से पहले भी कर्म पात्र का जल का पूजन होता है, उसके बाद शंख पूजन, घंटा पूजन आदि पूजन हो करके तब गणपति भगवान का पूजन होता है। तो बताया गया है कि शंख में पृथ्वी पर जितने भी तीर्थ हैं वे सभी निवास करते हैं। भगवान विष्णु की आज्ञा से समस्त तीर्थ शंख में निवास करते हैं, इसलिए शंख की पूजा की जाती है। देखिए, शंखम चंद्रार्क दैवत्यम वर्णम चाध दैवतम पृष्ठे प्रजापतिम विद्या दग्रे गंगा सरस्वती। और कहते हैं आगे, त्रैलोक्ये यान तीर्थानि वासुदेवस्य चाज्ञया शंखे तिष्ठन्ति विप्रेन्द्र तस्मात् शंखम प्रपूजये। भगवान वासुदेव की आज्ञा से समस्त तीर्थ त्रैलोक में जितने विद्यमान है वे समस्त शंख में विद्यमान सदा सर्वदा रहते हैं, इसलिए शंखम प्रपूजयेत, शंख की पूजा
अर्चना करनी चाहिए। बाद में शंख की प्रार्थना करें, शंख की पूजा करने के बाद कि त्वम पुरा सागर उत्पन्नो विष्णुना विद्रता करे नमिता सर्वदेवैश्च पांचजन्य नमोस्तुते। इस प्रकार वो शंख की पूजा करें और प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान विष्णु शंख को धारण करते हैं। भगवान विष्णु की 24 मूर्तियों का वर्णन है शास्त्रों में, तो वो आयुधों के क्रम से है कि किस हाथ में क्या आयुध है तो उनका नाम क्या होगा। शंख कहाँ है? शंख ऊपर के हाथ में, दो ऊपर के हाथ में, दो नीचे के हाथ, चार हाथ हैं भगवान के, दो दाईं तरफ दो बाईं तरफ, तो उनमें भी शंख चक्र गदा पद्म चार जो आयुध हैं। तो वो चार आयुध अगर दाहिने हाथ के ऊपर गदा हो गया और नीचे शंख और इधर चक्र और इधर जो है पद्म यानी कमल हो गया तो उनका नाम क्या होगा? उनका जो है केशव नाम होगा, वासुदेव होगा, उर्क्रम होगा, है ना, इस तरीके से हरि नाम होगा। ये अलग अलग स्वरूपों का वर्णन है। तो भगवान कहने का तात्पर्य ये है कि अलग अलग स्वरूपों में शंख को अलग अलग हाथों में लिए रहते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान विष्णु एक ही हाथ में, उसको निश्चित हो कि इस हाथ के इस बारे क्रम में वो आयुध रहता है, ऐसा नहीं है। वो सभी हाथों में वो घूमता रहता है शंख, कभी दाएं हाथ के ऊर्ध्व भाग में, कभी दाएं तरफ के अधो हस्त में, कभी बाएं हाथ के ऊर्ध्व वाले हाथ में, कभी बाएं भाग के जो है अधो हस्त में वो रहता है शंख, क्योंकि वो उनके नाम के शवादि मूर्ति बदलती रहती हैं। इस तरीके से शंख का स्थापन करना चाहिए। हर हर महादेव।